गाइस अभी आप इतने सारे मेरे फैमिली मेंबर से मिले और जो यहाँ का मेन है अभी हम उनको मिलने जा रहे हैं जिनकी शादी में हम आए हैं। और उनको ले कौन जा रहा है? सारे मेरे कजिन सिस्टर्स और भाई, कुछ ज्यादा ही उनको शर्म आ गई है। हाय तो गाइस हम लोग इनकी शादी में आए हुए हैं। ये मेरी कजिन सिस्टर है और बाकी सारी तो आपने देखी। तो जो सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ पर देखकर एक्साइटेड हुआ था ना, वो ये वाली मेरी कजिन सिस्टर है। और जैसे ही मेरे को देखा ना, वैसे ही हाय दीदी करके सबसे पहले ही आए थे। और उनके बाद ये सब जो मुझे इतना कह रहे हैं कि व्लॉग उड़ाओ व्लॉग उड़ाओ, पर गाइस ये ना, ये मेरी बुआ है, वो भी बुआ है, और ये दोनों लड़के उनके, और ये लड़की ये इनकी, और ये इनकी नवासी है जिसका बर्थडे है आज। और वो वाली लड़की भी ना, ये वाली बुआ की, हाँ उसकी मम्मा ना मेरे को बहुत क्यूट लगती है। और ये उनकी बेबी है, ये तो बाप रे कितनी क्यूट है। बर्थडे आपका, केक काटेंगे? अभी केक लाए मामा, अभी केक काटेंगे। गाइस मेरे को इतनी शर्म आ रही है, मेरे को जिंदगी में इतनी शर्म नहीं आती भाई। और आज मैं कभी शादी में जाती ही नहीं, और आज मैं शादी में पहली दफा आई, अच्छा भी फील हो रहा है और मेरे को शर्म तो बहुत आ रही है भाई। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये ज्यादा, हाँ क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं, मतलब बाकी, हाँ बाकी लोगों की तरह नहीं कि ऐसा इग्नोर कर देना ऐसा कुछ, इन लोगों को भी अच्छा लग रहा है और हम, और मैं बस मम्मी का पल्लू पकड़ के उनके पीछे ही हूँ चल। क्योंकि वो को तो अभी जो जिनके यहाँ पर मैरिज है ना, उनका हस्बैंड होने वाला, उनका बर्थडे आज है, तो अभी हम वो केक दिखाएंगे और वो वहाँ पे हम दिखाएंगे। जीजू का केक लेके जा रही है, केक लेके जा रही है, बोल तो। ये मेहंदी है और केक तो देखा ही आपने, मेरे चाचू है, इनकी हाइट इतनी लंबी है भाई, इनके आगे तो मैं बच्ची लगती हूँ। और इनकी लड़की की शादी है जो मैंने दिखाया था ना, वो इनके यहाँ पे लड़की की मम्मा है, इनके से इनका खास लेना क्या करे, बोला वो तो कुछ बात ही नहीं करती, क्या बोले अभी सब ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो गाइज अभी जो मेहंदी और केक और ये सब हम लोग दिखा रहे थे ना, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर मेहंदी वेहंदी सब लगाएंगे, है ना, यही करेंगे ना। ये पापा है जिसका बर्थडे है, जिसका बर्थडे ना उनके पापा है ये। ब्लॉगर खुद ब्लॉग में आते हुए
गाइस ये मेरी शादी के बाद वाली हालत है। बहुत ज्यादा ठंडी और इतनी थकान थकान तो ठीक है, जब मैंने कुछ किया नहीं था, पर ठंडी बहुत। और अब हम लोग निकल गए वहाँ शादी से। और